ज्ञानशाला फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ शिवम तांग। इनको रिसेंटली वीजा मिला है और ये 4 अक्टूबर को जर्मनी के लिए फ्लाई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो शिवम, आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। तो आपका ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आपको जर्मन सीखने की प्रेरणा मिली, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सो जर्मनी जाने का मेरा जो सपना था वो बहुत पहले मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से शुरू हो चुका था, क्योंकि मेरे को बचपन से ही गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था और मैंने हमेशा से ही जाना था कि गाड़ियों की जो एकदम जो अपनी ओरिजिन रहा है, जो जहाँ पे गाड़ियों की एकदम मैकेनिज्म हो गया, जो भी हो गया, जो सुपर पावर देश है गाड़ियों के मुकाबले के अंदर, वो जर्मनी के अलावा कोई और नहीं हो सकता, दूसरा नाम। तो मैं अपना ये सपना पूरा करने के लिए, अपनी कार नॉलेज की कारों के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ये जर्नी आगे बढ़ाने के लिए, मैंने सोचा कि जर्मनी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से बिल्कुल रेडी था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह को पहले ही बता दिया था कि मुझे जर्मनी जाना है। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि जर्मनी जाने के लिए सबसे बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बेस क्या बनाना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा और सबसे पहला बेस था कि अपनी जर्मन लैंग्वेज आपको सुधारनी पड़ेगी, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके वहां जाने का कोई सेंस नहीं था। फिर जब मेरे को ये पता लगा जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो मैंने गूगल के ऊपर डाला कि जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कौन सी है। और मैं बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि मैंने सबसे पहला क्लिक ज्ञानशाला फॉरेन लैंग्वेज पे किया था, और वो क्लिक करने के बाद मैंने कहीं और क्लिक नहीं किया। और हम फिर इतना अच्छा क्लिक हुआ हमारे बीच के अंदर कि आज मैं एकदम बढ़िया तरीके से जर्मनी जा रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ। तो आपने B1 कंप्लीट किया था? यस सर, मैंने B1 किया था। और एक ही बार में आपने B1 एग्जाम पास किया था और आपने मिठाई भी खिलाई थी उस टाइम। थैंक यू सो मच, मुझे याद है। और मैंने ये देखा है कि अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और एक साल का जॉब एक्सपीरियंस ले लें लैंग्वेज के साथ में, तो आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे आपको और भी ज्यादा डोर्स ओपन हो जाते हैं आपके लिए। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक बार B2 के प्लान को थोड़ा सा ड्रॉप करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मैं एक साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ। तो इसीलिए मैंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए पिनेकल इन्फोटेक एक कंपनी है जो मेरी ही ब्रांच की थी मैकेनिकल से रिलेटेड, मैंने उसको ज्वाइन किया और वहां का एक साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया, जो कि मेरे को डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो शिवम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपने सबसे पहले आपने फिगर आउट कर लिया था कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, आपने इंस्टीट्यूट भी फाइनल कर लिया था, तो स्टार्टिंग में जब आपने लैंग्वेज सीखना शुरू किया, तो क्योंकि हमारे लिए कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो फर्स्ट जब आपकी कुछ हफ्तों की क्लासेस जब आपने एक्सपीरियंस किया जर्मन लैंग्वेज को लेकर, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डिफिकल्टी जो आपने पर्सनली फील की हो कि हाँ ये जो है ये कॉमन है और ये हर बच्चा हो सकता है कि फील करता हो? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो सबसे कॉमन अपन को परेशानी आती है वो है कभी भी इंग्लिश टू डायरेक्ट जर्मन मत करना। बेसिक मैं इतना परेशान हुआ था इसको लेके, मुझे सर बोलते बोलते थक गए, अरे इंग्लिश को जर्मन मत कर, इंग्लिश को जर्मन मत कर। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी डायरेक्ट इंग्लिश टू जर्मन को ट्रांसलेट मत करो। कोशिश ये करना चाहिए कि हिंदी टू जर्मन फिर भी थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट इंग्लिश टू जर्मन ना करें और अपने टीचर्स की बात सुने। जनरली उसमें ये होता है कि बच्चा उसको इंग्लिश में सोचेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या था, ब्रेक्स आ जाते हैं और उसमें फिर पाउज़े बोलते हैं उसको, और प्रोसेस भी थोड़ी लेंथी हो जाती है ना। आप पहले हिंदी से, पहले इंग्लिश से पहले ट्रांसलेट करोगे तो वो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। तो ओके, तो आपके लिए कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो चैलेंजेस हो वो ये होते हैं कि हमारी जो थिंकिंग ये होती है कि हम पहले उसको सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएं और फिर उसको जर्मन में ट्रांसलेट करें तो ज्यादा इजी रहेगा, बाकी ऐसा होता नहीं है। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है शिवम, कि जब आपने जर्मन सीखना शुरू किया तो एक पर्टिकुलर लेवल जब हमने A1 A2 B1 तक आपने किया है, तो वो एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा सा, अगर कितना टाइम लगा, कौन कौन से स्टेजेस पे किस तरह के एक्सपीरियंस आपके रहे, कौन कौन सी चीजों पे आपने ज्यादा ध्यान दिया कि जिससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो सके, तो उसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा स्टार्टिंग से यही मोटो था कि मुझे एक इंटरमीडिएट लेवल एटलीस्ट क्रॉस करना है, जो कि हमारा B1 होता है,
और शायद वो वहाँ पे जॉब कर रही जॉब करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है और स्टडी के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो मेन चीज है कि आपको लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखनी कि आपको सिर्फ जॉब करनी है, आपको वहाँ सस्टेन भी करना है। करेक्ट। तो मेरे को मेन मोटो मेरा ये था कि मैं लैंग्वेज तो सीखू पर ऐसा नहीं कि सिर्फ A1 A2 करके एडमिशन ले लू। करेक्ट। कभी भी आपको A1 A2 का सिर्फ एडमिशन लेके अगर आप यही सोच के जाओगे तो आप वहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मिनिमम टू मिनिमम B1 करना चाहिए। मेरा सपना था B2 का, बट वो मैंने जॉब एक्सपीरियंस के लिए एक बार के लिए उसको पॉज दे दिया था, जो कि बहुत सही भी था कुछ मायनों के अंदर, क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहला A1 और A2 का पार्ट मैं कहना चाहूंगा कंपेरेटिवली B1 की बहुत ही ज्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो और आप नॉर्मली आप क्लास को ध्यान से देते हो, आप थोड़ा बहुत अपने को जो एक्सरसाइज दी जाती है आप उनको सॉल्व करते रहते हो, आप लिसनिंग करते हो, आप यूट्यूब के अंदर हमारे पास बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो आपको लिसनिंग में मदद करते हैं, आप वो करते हो, तो A1 A2 मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कंपेरेटिवली इजी पढ़ते हो, आप इजीली निकाल सकते हो। बट जो मेजर चैलेंज आता है वो आता है B1 के अंदर, क्योंकि अगर A1 A2 यहाँ है तो फिर B1 की इतनी लंबी छलांग होती है, तो उस छलांग को कवर करने के लिए आपको बहुत सारे ग्रामर्स इंपॉर्टेंट इंप्रूव करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, हर टाइम आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, आप ये नोटिस करते हो कि ग्रामर के अंदर रिफ्लेक्सिव भी आने लग गई है, ग्रामर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने लग गई, तो वो सारी ग्रैप करने में आपको जब पता लगता है धीरे धीरे कि हाँ अब थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, उसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। फिर इनका ह्योरन आप देखोगे कि A1 A2 का ह्योरन, फिर अचानक से B1 पे आ गए, तो फिर वो B1 का ह्योरन एक बार तो आप समझने में इंसान लग जाता है ये चल क्या रहे हैं, बाउंसर ही होता है, और आप कितनी बार डक करोगे कि एक बार समझ नहीं आया, दो बार समझ नहीं आया, पर वो कभी ना कभी तो आपको हिट करेगा ही, तो वो प्रैक्टिस से हो सकता है। तो ये होता है कि दिक्कतें आएगी, बट अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की, और जो हमारे जब एग्जाम हम देने जाते थे हमारे को पेपर दिए जाते थे कि हमारे को 15 पेपर है, 20 पेपर है, 25 पेपर, इनको 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है बार बार, आप एक गलती एक पेपर में करोगे, दूसरी बार कुछ और करोगे शायद वो ना करो, पर तीसरी में आप हो सकता है चांसेस आप दोबारा वही गलती कर दो। तो ये प्रैक्टिस ही होती है जो आपको बार 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 करने से आपको थोड़ा सा इजी बनाती है। सो ओके, सो ये तो रहा आपका जॉब का, जो मतलब लैंग्वेज जब सीख रहे थे हम लोग वो एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले तो आप किस कोर्स में वहां जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो हमें बताइए, और उसके बाद आपने किस तरह से प्रोसेस किया, और प्रोसेस करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, या कौन सी डेडलाइंस टाइमलाइंस जो हमें डेट्स का कौन सा ध्यान रखना पड़ता है, साल में कब उसका इंटेक होता है, थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप बता पाए तो। So, बात ऐसी होती है कि हमें एक स्टूडेंट को सबसे कोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। सबसे पहले उसको एक डार्ट वेबसाइट होती है जो जर्मन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उस पे जाके सबसे पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करो। सो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया कि मेरा ऑटोमोबाइल के अंदर ज्यादा था, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ज्यादा था, मुझे कुछ ऐसा ही कोर्स लेना था जिसमें ऑटोमोबाइल आए। सो मैंने अपना कोर्स का क्राइटेरिया ही वही सेट किया था, और फिर मैंने उसके अंदर उस क्राइटेरिया के अंदर जब फिल्टर आउट किया तो मुझे जो पता लगा कि कुछ 10-12 कॉलेजेस हैं, फिर मैंने उनमें और फिल्टर आउट किया कि मुझे फिल इन किस में करना है। फिर आप कॉलेज सिलेक्शन में भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है। सो अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, बाय चांस जैसे मेरे ग्रेड्स सही थे, 8.7 CGPA था और मेरे पास B1 था, तो मुझे कॉलेज सिलेक्शन के अंदर बहुत ईजी आया कि मेरे को कॉलेज सिलेक्शन बहुत ईजिली मेरा सिलेक्शन हो रहा था कॉलेजेस के अंदर, इसलिए मैंने सिर्फ 4 कॉलेज फिल किए थे और बाय गॉड ग्रेस मेरे चारों में सिलेक्शन आ गया था। Correct. जो कि मेरे को बहुत अच्छी खुशी मिली थी, मेरे पापा को भी अच्छा लगा था कि 4 कॉलेज भरे और चारों में सिलेक्शन आ गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है लाइफ के अंदर, सही किया है, आप सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। सो जब आपका कॉलेज सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर कॉलेज रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आपको जब पता लगेगा कि क्या वो आपके मैच कर पा रहा है जो आपने अपना प्रीवियस एजुकेशन किया उससे, अगर वो मैच कर पा रहा है और आपके पास वो सारी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी है, फिर आप उसको जाके अपने चेकआउट कर सकते हैं कि ये मेरी लिस्ट के अंदर एड ऑन हो जाएगा। जैसे आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको वहीं पे नीचे ही डार्ट की वेबसाइट में या तो दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉलेज का डायरेक्ट पोर्टल मिलेगा या आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू मिलेगा। सो जो भी आपको लग रहा है कि आपका कॉलेज आपका फेवरेट है, तो यूनिअसिस्ट के थ्रू थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता है, जिसके लिए आपको यूनिअसिस्ट की फीस पेमेंट करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। और जो मैंने कॉलेज सेलेक्ट किए थे वो किस्मत से ऐसे थे जिसमें चारों यूनिवर्सिटी पोर्टल से हुए थे। Okay. तो मैंने सारे कॉलेज फिल किए थे वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे डायरेक्ट किए थे,
तो उसके अंदर मेरा ये फायदा ये हुआ, मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच गया, मेरे पास डेडलाइंस बिल्कुल नहीं आई थी क्योंकि मैंने कॉलेज की डेट्स पहले ही देख ली थी, और कॉलेज की डेट्स देखने के बाद मुझे ये पता लग गया था मेरे पास अभी इतना इनफ टाइम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा एपीएस भी मैंने पहले ही ले लिया था। okay. तो इसकी वजह से मैंने सारे जब कॉलेज फिल आउट किए मैं उनकी डेट से पहले ही कर चुका था कि और कुछ भी रिक्वायरमेंट उनको हुई तो वो मुझे मेल कर देंगे। करेक्ट। तो मैंने चारों कॉलेजेस के अंदर सेम मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने चारों कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन सबमिट किया, और उस ऑनलाइन सबमिशन के बाद मेरे को सिर्फ इंतजार करना था कि मेरा किस कॉलेज से सिलेक्शन आएगा, किससे। तो अभी जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज का क्या नाम है और किस कोर्स में आप जा रहे हैं? सो जो मेरा अभी करंटली सिलेक्शन में जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वो है आरपीटीयू काइज़रस्लाउटर्न, और मैं यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहा हूँ। okay. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा यहाँ पे नंबर आया, क्योंकि जिस बाकी कॉलेजेस में आया था वहां भी मेरे पास मैकेट्रॉनिक्स का ऑप्शन भी था, मेरे पास ईवीस का ऑप्शन भी था, बट उसके अंदर मैकेनिकल का पार्ट कम था एज कम्पेयर टू दिस। इस कोर्स के अंदर मैकेनिकल का पार्ट भी प्रॉपर है, इसमें सीएस का पार्ट भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी है। सो जो आगे फ्यूचर होने वाला है जिसमें सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें एडास वगैरह सब आएंगे वो इस कोर्स के अंदर सब कुछ है। ओके okay, तो ये आपका पर्टिकुलरली जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में था और इसलिए आप लोग आपने ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है वो चूज किया। और मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि कभी भी यूनिवर्सिटी का नाम देख के यूनिवर्सिटी की तरफ मत भागो, आपको देखना है कि कोर्स आपको कितना सूटेबल लग रहा है। Correct. अगर कोर्स आपका सूटेबल भी है और वो यूनिवर्सिटी 10 रैंक नीचे है आपकी टॉप यूनिवर्सिटी से, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल है, मेरे पास एफएयू का भी मेरे पास सिलेक्शन था जो फाउ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जर्मनी के अंदर, बट मैं वहां नहीं गया, मैंने आरपीटीयू काइज़रस्लाउटर्न चुना क्योंकि मेरा कोर्स मेरा इंटरेस्ट उसमें था, क्योंकि मुझे जाके वहां पढ़ाई भी करनी है, मुझे जाके वहां पे एग्जाम भी क्लियर करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स व्हाई मैंने ये चूज किया था। तो क्या एक्साइटमेंट है अभी जैसे आप 4 तारीख को जर्मनी जा रहे हो? बहुत कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत ही ज्यादा ऐसे बटरफ्लाई सी उड़ रही है क्योंकि मैं हमारे फैमिली के अंदर मैं शायद पहला इंसान ही हूँ जो इंटरनेशनली पढ़ाई के लिए जा रहा है और जर्मनी जा रहा हूँ, और ये मतलब 5 साल से मैं जो सपना देख रहा था उसको जब इतना करीब आता हुआ देख रहा हूँ, तो एक बहुत ज्यादा बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैं पहली बार किसी और कंट्री में जाऊंगा। अच्छा, मतलब जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब से मैंने तब से आपका माइंडसेट ये था कि मुझे जाना है, तो इसलिए फिर मैंने सेकंड ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर से सोचना चालू कर दिया। और जब आपने कोचिंग सर्च किया और आज आप जा रहे हो तो उसमें कितना 2.5 साल का? 2.5 साल का, उसमें 1 साल आपका जॉब का भी है। जॉब का भी है, बट मेरे को मेन टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मेरा कॉलेज साथ में चल रहा था। अगर कोई बच्चा सिर्फ ध्यान जर्मन लैंग्वेज सीखने पे लगाएगा और कोई जॉब नहीं कर रहा या फिर कोई स्टडीज नहीं कर रहा, तो जो मैंने B1 निकाला है 1 साल 1.5 साल के अंदर वो बंदा 6-7 महीने में भी निकाल सकता है इजीली, अगर वो सिर्फ फोकस मेहनत और फोकस इसी पे लगा दे तो। ठीक। लेकिन मैंने तुम्हारा हार्ड वर्क देखा है, जैसे तुम्हारा कॉलेज खत्म होता था उसके बाद तुम कॉलेज बस से इंस्टीट्यूट आते थे, पहले हमारा इंस्टीट्यूट इस जगह पे नहीं था, पहले ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन डेडिकेशन था, एक भी क्लास स्किप नहीं करते थे, डेडिकेशन के साथ आपने सारी क्लासेस ली, तो आज उसी का परिणाम है कि आपने जो हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। सर मेरा ही हार्ड वर्क नहीं था, टीचर्स का ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था। अश्विन सर ने बहुत हेल्प किया। अश्विन सर के साथ में मैं जब उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे डांटा समझाया कि कैसे करना चाहिए, अगर वो उस टाइम डांट नहीं लगाते हो, वो नॉर्मल लाइटली छोड़ देते तो शायद इतनी आसानी से पहली बार के अंदर B1 क्लियर होता नहीं है ऐसे। तो वो बच्चे को थोड़ा सा कुटाई पिटाई होनी चाहिए, इससे बच्चे एकदम लाइन पे रहता है। लेकिन हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें हम कुटाई पिटाई नहीं करते, बच्चों को पीटते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टर्म आता है जब भी हम वीजा प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो अभी एक नया जो सिस्टम चालू हुआ है जिसको हम बोलते हैं APS, तो आपने APS के लिए कैसे अप्लाई किया, किस किस स्टेज पे किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए APS अप्लाई करते वक्त? क्योंकि अभी तक हमने जितना आपसे आपने अपनी बातें शेयर की हमें ये पता चला है कि हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है उससे पहले ही हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट लाइनअप करके रखने और पोर्टल ओपन होते ही अप्लाई कर देना। जी बिल्कुल, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर कोई डिफिशियंसी रहती है हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो हम टाइम रहते हुए उसको फुलफिल कर सकते हैं। जी। और दूसरा चीज जो जिसका मैं पूछ रहा हूँ कि APS, तो वो APS का क्या इंपॉर्टेंस है और वो उसका प्रोसेस कैसे आपने उसको क्या बिना APS के भी वीजा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा।
बच्चे कहते हैं कि साहब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहां तो एपीएस लिखा ही नहीं है वेबसाइट पे, तो मैंने भी उनको यही सजेस्ट किया कि बिना एपीएस के आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो वो एपीएस के बारे में थोड़ा सा बच्चों को, एपीएस एक बहुत ही मैंडेटरी सर्टिफिकेट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, आपकी एजुकेशन वेरीफाई करता है, आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है, टोटली ये आपका पूरा कैरेक्टर वेरीफाई कर देगा कि आप एकदम ऑथेंटिकली आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि नहीं दिए। और इसका प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से एकदम केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। सो सबसे पहले आपको अपने सारे लैंग्वेज क्लियर करने हैं, आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज क्लियर करनी है, आपको अपना आइल्स क्लियर करना है, आपको अपना कॉलेज की डिग्री क्लियर करनी है। जब आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाए तो अब आपका सबसे मेजर स्टेप है एपीएस के लिए अप्लाई करना, तो जिसके लिए आपकी सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, जहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, वहां पे उनकी एक फीस होती है 18,000 की, वो आप पे करोगे, और उनके बाद आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड फोटोकॉपी लेके उसको एक एनवलप में डाल के आपको एपीएस सेंटर जो है जो दिल्ली के अंदर है वहां पे भेजना है। ध्यान ये रखना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जैसे आगे पीछे भी अगर प्रिंट है तो आगे पीछे करके भेजो, जो प्रोसेस आपकी इजी बना दे, जो फ्लॉलेस बना दे। कोशिश ये करनी है, डॉक्यूमेंट्स एकदम आपके पास ऐसे होते हैं, कहीं नकली बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक हमारा जॉब कम फेक बना दे, बट वो वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कॉलेज की आपके पास डिग्रीज भी है, कॉलेज की मार्कशीट्स भी है, कोई बैक हो तो बैक रहने मत दो, सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी कराओ, उनके पास भेजो। और एक कोशिश ये करो, जैसे मैंने एक स्टेप किया था जिससे मेरा शायद थोड़ा जल्दी आ गया, तो वो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, या तो आपके कॉलेज में फोन करेंगे कि ये यहाँ का स्टूडेंट है कि नहीं, यहाँ से पास आउट हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर वो आपका मेल नहीं करेंगे, वो अपना गवर्नमेंट वाला ऐप कौन सा है जिससे वो चेकिंग होता है, डिजीलॉकर, वो आपके डिजीलॉकर का पासवर्ड आईडी मांगेंगे जिसमें वो आपका आधार पैन और आपकी डिग्रीज को चेक करेंगे। अच्छा। सो मैंने क्या किया था, मैंने अपने डिजीलॉकर का ऑलरेडी यूज लॉग इन आईडी और पासवर्ड एक पन्ने पे लिख के ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दिया था। तो उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया, उन्होंने उसी पन्ने के थ्रू शायद उन्होंने वेरीफाई कर लिया था, और मुझे विद इन ए मंथ आई गेस 24 या 25 डेज के अंदर मेरा एपीएस मिल गया था, जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। 25 दिन का 2 डेज दिल्ली पहुंचने में लग जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को, और उसके विद इन 24 डेज लग रहा है, उस टाइम भी बहुत टाइम लग रहा था, पर मैंने कोशिश ये की थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी इनको कोई डाउट नहीं हो, कलर फोटो का पैसे बचाने की कुछ भी रात मत लाना कि ब्लैक एंड व्हाइट भेज देता हूँ ये कर देता हूँ, नहीं, कलर्ड कराओ, एक एक डॉक्यूमेंट्स भेजो। अटेस्टेड करना जरूरी है? अटेस्टेड करने की मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि मैंने अटेस्टेड नहीं किया था, मैंने नॉर्मली भेज दिया था। अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर हम मोटा मोटा देखना चाहें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपके कॉलेज की सारी मार्कशीट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और उसके अलावा आधार, 10th 12th मार्कशीट्स, एंड आधार और पासपोर्ट जो ये तो रहा आपका एपीएस का प्रोसेस। जब एपीएस आ जाता है उसके बाद हम फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। जब एपीएस आ गया है अब उसके बाद आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि कॉलेज के लिए अगर आप ऑनलाइन फिलिंग करते हो तो आपको एपीएस वो मांगते हैं। जैसे मेरा कॉलेज था उसने मुझसे मांगा था कि एपीएस, मैंने उस एपीएस को डिजिटली उनको सबमिट किया, मेरे बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो उनको ये पता लग गया था इसके डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब कॉलेज का सिलेक्शन आ जाता है फिर आपको अब वीजा के लिए अप्लाई करना। तो जब आपने एपीएस के लिए एपीएस अपना जो है यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया और वहां से आपका जो एडमिशन लेटर है उसको आने में कितना टाइम लगा? सो मैंने अप्रैल के अंदर अप्लाई किया था, आई गेस 2 अप्रैल को अप्लाई किया था ऑनलाइन, 23 अप्रैल को मेरे पास उनका मेल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ओके, 3 वीक्स, थ्री टू फोर वीक्स। ओके, सो 3 to 4 वीक्स के बाद उनका एक्सेप्टेंस आया था, देन उसके बाद मेरा लेटर ऑफ एडमिशन आने के अंदर उन्होंने 2 to 3 वीक्स मोड ले लिए थे। मुझे पहले कंफर्मेशन दे दिया था, फिर 2 to 3 वीक्स के बाद उन्होंने मेरे को मेरा लेटर ऑफ एडमिशन भेज दिया था और शुलासुन वेबसाइट भेज दिया था जिसमें मुझे फीस वगैरह का बता दिया था कि कितनी फीस लगेगी, कहाँ पे भरनी है, आपको ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और वहां के कैश में भी दे सकते हो, और उसमें मेरी लास्ट डेट भी बता दी गई थी कि 18 अक्टूबर से पहले करना है आपको ये सब कुछ। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आने के अंदर 2 मंथ्स का टाइम लगा था मेरे को, और जैसे ही मेरे पास मेरा लेटर ऑफ एडमिशन आ गया था मैंने उसी टाइम मेरे वीजा के लिए और ब्लॉक अकाउंट के लिए, आप कोशिश ये करना कि ब्लॉक अकाउंट भरवा लेना, क्योंकि जो मेरे साथ में केस हुआ था कि ब्लॉक अकाउंट अचानक से
अमाउंट बढ़ा दिया गया था ब्लॉक अकाउंट का, करीब 11 लाख के आसपास, अब 11 लाख का हो गया। पहले उस टॉपिक पर भी आएंगे, पहले एक बार ये ईपीएस वाला जो है टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, फिर हम ब्लॉक अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक, जैसे आपने ईपीएस के लिए अप्लाई किया, आपका एडमिशन लेटर आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है? वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। तो ब्लॉक अकाउंट के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे हम ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या क्या क्या उसमें अमाउंट अभी जो करंटली चल रहा है वो क्या जैसा। ब्लॉक अकाउंट बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी तब नहीं है जब आपका या तो कोई रिलेटिव वहां पे रह रहा हो जो आपका खर्चा उठा सके, या आपको स्कॉलरशिप मिली है। ओके, तो ये दो केस होते हैं जिसके अंदर आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, बट जो मैंडेटरी बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी ब्लॉक अकाउंट लेके जाते हैं, जिसके अंदर भी तीन बड़े प्लेयर्स हैं, कोरेकल, एक्सपेक्ट्रियो एंड फिंटिबा एंड ऑल। मैंने एक्सपेक्ट्रियो लिया था, सो एम ऐड नहीं कर रहे। सो इसके अंदर ब्लॉक अकाउंट बहुत ही नेसेसरी होता है, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्टली वो आपका पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट्स, एक दो शायद एपीएस भी वेरीफाई करते हैं मे बी। ये वेरीफाई करने के बाद वो आपका पोर्टल खोल देंगे और आपको पेमेंट के लिए बोल देंगे कि आप पेमेंट करा दीजिए। और मेरी राय ये रहेगी कि आप पेमेंट को दो टुकड़ों में भेजें, क्योंकि अब 11 लाख हो चुका है तो साढ़े पांच करके भेजें, जिससे आपका टीसीएस बच जाएगा, वरना आपके पास 19 से 20,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और वो जो दो अमाउंट, दो अकाउंट से आप भेजेंगे, वो एक खुद का रख लीजिए, एक फादर का रख लीजिए, या फिर फादर मदर का रख लीजिए, ब्लड रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो तब तो आपको एक बार भी भेजो नहीं, आप कर सकते हो, आप बैंक को बोल सकते हो कि वो लोन अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर बैंक मान जाता है, वैसे जनरली मान जाते हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये जो लोन अमाउंट है मैं डायरेक्टली भेजना चाहता वहां पे, ये आप मेरे अकाउंट में भेजिए, फिर मैं उसको डिवाइड करके भेजूंगा। अगर आप डायरेक्टली भेजेंगे तो आपको 20,000 का एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, टीसीएस लग जाएगा, वरना मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। ये एक टिप जो है वो थोड़ा हमारे लिए भी काम के, स्टूडेंट काम किया, काम की है। सो मैं जनरली आपको दो पार्ट में भेजना है, क्योंकि मैंने भेजा और मेरे जीरो टीसीएस लगा था, सो मेरे 20,000 रुपीस वहां से बच गए थे। अच्छा, 20,000 रुपीस, ओके। और वीजा का जो स्लॉट आप बुक करते हो, उसमें अडल्ट्स रही कुछ? बहुत ज्यादा अडल्ट्स रही, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले के अंदर सीन ऐसा है कि वो 15 डेज के पीरियड में खुलेगा। 15 डेज के पीरियड में आपको सिर्फ स्लॉट मिलेगा, उसके बाद के अंदर स्लॉट के मिलने के बाद डेट्स आपकी 15 डेज बाद आएगी। सो बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम पीरियड आ जाता है। मैं जनरली, मेरे पास किस्मत बढ़िया ये थी, मेरे पास एक महीने का बफर था, तो मेरा ब्लॉक अकाउंट खुलने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरा लोन अमाउंट पास नहीं हो रहा था, वो बहुत ही टाइम लगा दिया था उस लोन अमाउंट ने। क्योंकि उनके पेपर वर्क बहुत ज्यादा थे, जो कि मेरी गलती थी वो बैंक अकाउंट चुनने का, क्यों मैंने जो लिया था। बट मैंने जब दूसरा, हमने प्राइवेट लोन के थ्रू उठाया, तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो चुका था, बट दिक्कत ये थी मेरी दो वीजा की डेट्स निकल चुकी थी। एक मुझे 2 जुलाई को स्लॉट ओपनिंग का आया था, ये स्लॉट ओपन हो चुका है, आप चाहो तो 3 जुलाई का अपॉइंटमेंट ले लो या फिर 12 जुलाई का अपॉइंटमेंट, पर मेरे पास ब्लॉक अकाउंट नहीं था। सो मैंने बोला कि एक बार पोस्टपोन कर देते, अपने पास बफर है अभी। फिर मेरे पास एक और पोर्टल ओपन हुआ था 23 जुलाई को, मेरे पास दोबारा ओपन हुआ कि आप 28 की अपॉइंटमेंट ले लो या फिर अगस्त की ले लीजिए। तब भी मेरे पास ब्लॉक अकाउंट नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी। बट उसके जस्ट बाद, फिर मैं जब मेरे पास ब्लॉक अकाउंट आ गया, तो मैं सोचा कि अब आ जानी चाहिए डेट्स, आ जानी चाहिए। बट फिर दिल्ली के अंदर अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का रश होने के चक्कर में डेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। सो मेरे पास 28 जुलाई, मेरे पास बहुत लेट हो चुका था, शायद 28 जुलाई को मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर आया, जो कि बहुत ही लेट हो चुका था। 28 जुलाई को आया, और 28 जुलाई का आने के बाद मैं सोच रहा था कि अब 15 अगस्त के आसपास शायद मेरे पास आ जाना चाहिए दोबारा से। वो आया मेरे पास 30 अगस्त को, मेरे को बोला गया कि आपका, मेरा स्लॉट की ओपनिंग आई। मैं पहले एंटर हुआ, उस एंटर के बाद मेरे को स्लॉट ओपनिंग का 30 अगस्त को आया, इसमें 2 सितंबर मैंने डेट चुनी। सो बहुत ही लंबा पीरियड चला गया था, और मैं जो चीज जुलाई में चाहिए थी वो सितंबर में आ गई थी, और मैं इतना डर चुका था, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनरली टाइम लग रहा था एक महीना, कहीं का 1.5 महीना 2 महीना, और मैं ये डर रखा था कि 18 अक्टूबर मेरी लास्ट है। अगर मैं 18 अक्टूबर से एक दिन भी लेट हुआ या एक मिनट भी हुआ, जर्मनी के अंदर टाइम का वैसे बहुत ज्यादा है, तो वो मेरा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो पर किस्मत ऐसी थी कि मैंने ब्लॉक अकाउंट अपना बढ़ावा लिया था, और उसकी वजह से जब मैंने अप्लाई किया 2 सितंबर को, बाय गॉड ग्रेस और किस्मत मेरी, मेरा विद इन 15 डेज 16 को मेरे पास मेल आ गया था कि आपका डिस्पैच हो चुका है, और 18 के मेरे को अराइव हो चुका था। 18 मतलब वो जनरली
जर्मन एम्बेसी ये बोलती है कि एक महीना वर्किंग आवर्स है जो टाइम फोर टू सिक्स मैं इसीलिए डरा हुआ था, बट किस्मत कह लो या फिर जो भी कह लो कि मेरे पास ऐसे उस टाइम में लक लग गया था कि मेरा विद इन 15 डेज में मेरे पास 16th को तो डिस्पैच का मेल आ गया था और 18th को मेरे पास अराइव हो गया। 18th को आपको आपका वीजा मिल गया था, जिसकी वैलिडिटी स्टार्ट थी 2nd अक्टूबर से 1st अक्टूबर 225 मतलब 1 ईयर का वीजा। आजकल एक पहले 6 महीने का मिलता था और कुछ 6 महीने का उन बच्चों को मिला है जो अगस्त में अप्लाई किया था और जिन्होंने बीओफोगे का फॉर्म भर दिया था जो ये बोलता था कि मेरे पास जो करंट ब्लॉक अकाउंट है वो अभी पुराने वाले अमाउंट के ऊपर है पर मैं इसको वहां जाके रिचार्ज करवा लूंगा। ओके, तो उनको 6 मंथ का मिला था। ओके, तो ये आपका रहा वीजा तक का जो सफर था वो है रहा। और उसके बाद फिर आपने फ्लाइट के लिए टिकट, मैंने फ्लाइट की टिकट वीजा से पहले ही कर ली थी क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस की बात नहीं, मुझे ये डर था कि फ्लाइट की टिकट दिन भर दिन महंगी होती जाती है। So, मैं उस टाइम ऐसे था कि करवा लेता हूँ अभी, क्या पता बाद में, अभी 48 की बढ़ रही है बाद में 60 की बढ़ जाए। So, ये तो मतलब इंडिया में रहते हुए जो आपने स्ट्रगल फेस किए, जो चैलेंजेस जैसे आपके हर्डल्स जो थे वो आपने किया। एक जो इंश्योरेंस का एक इश्यू होता है कि इंश्योरेंस का क्या मतलब, वहां जब जाना होता है तो किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज हमें लेनी होती है? So, वो जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, क्या मतलब उसके बारे में? बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है जब आप यहाँ से अपना ब्लॉक अकाउंट बनाएंगे। सो ये जो ब्लॉक अकाउंट बनाने वाली कंपनीज है ये आपको एक प्लस पैकेज प्रोवाइड कराती है या प्रीमियम पैकेज प्रोवाइड कराती है जिसके अंदर वो आपको ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस दे देती है। ओके, जो आपके पहले 3 महीनों का काम कर देता है। सो ये आप, मैं कहता हूँ कि आपको ये ले लेना चाहिए क्योंकि आप बाद में किसी इंडियन से लेंगे या फिर वहां जाके लेंगे तो बहुत सारी आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। सो मैंने ऑलरेडी इनका प्लस पैकेज ले लिया था जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रेवल इंश्योरेंस दोनों मिल गया था। इसकी वजह से भी वीजा प्रोसेस बहुत इजी पड़ जाता है क्योंकि आपके पास दोनों इंश्योरेंस है और जर्मनी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको वो लेना ही लेना होगा और उसके बिना वहां पे आपको रुकने भी नहीं देते। और वो कितना चार्ज लगता है? वो जो जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मैंने देखा है वो अराउंड 12-13 यूरो या फिर 22 यूरो के अप्रोक्स चलता है वो पर मंथ। वो एज पे डिपेंड करता है। अगर आप 22 इयर्स के अंडर हो या फिर 28 इयर्स का, मेरे को जहां तक याद है, मेरे को अभी इतना कुछ कंफर्म नहीं है बट मैं जितना कह रहा हूँ इसके अराउंड ही रहता है। डार्ट भी देता है इंश्योरेंस, डार्ट से भी ले सकते हैं। हाँ, डार्ट से भी ले सकते हैं। ओके, सो ये सारे जो स्ट्रगल से हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी हेल्प होगी। तो इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो इंडिया का जो भी स्ट्रगल और हर्डल्स हमारे रहे, अब जर्मनी जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? आपने कुछ विश लिस्ट बनाई हुई है? नहीं, क्या कुछ एक्साइटमेंट और क्या 5 साल से आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने सपना देखा है तो कहीं ना कहीं वो लिस्ट कुछ प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। मेरी विश लिस्ट ऑलरेडी मैंने सारी जगह मार्क कर रखी है। पहले तो मुझे 5 जो सबसे बड़े ऑटो म्यूजियम्स हैं, जैसे पोर्शे का, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, जो कि स्टुटगार्ट, म्यूनिक वगैरह के अंदर, मुझे सबसे पहले मेरी विश लिस्ट है यहाँ पे घूमना है। फिर इसके अलावा मैंने देखा है जर्मनी के अंदर बहुत ही शानदार म्यूजियम्स हैं जो आपके वर्ल्ड वॉर के भी हैं और आपके वहाँ पे पुरानी आपको बताते भी हैं कि हिस्ट्री कैसी रही है। तो मेरी पहली विश लिस्ट ये है एंड सेकेंड जो अक्टूबर फेस्ट में मैं जा रहा हूँ so, okay. सभी की रहती है। बट मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अकोमोडेशन का इंडिया से देख लेना। okay. ये बहुत ही बड़ा मेजर अकोमोडेशन का बहुत ही मेजर पॉइंट है। फिर से मैं कहना चाहूंगा मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी आपकी किस्मत हॉस्टल मिला है ना? हाँ, मुझे स्टूडेंट डोम मिल गया है जो कि मेरे साथ जो बचे हुए 200 बच्चे उनमें से 10-12 को मिला था। मेरी किस्मत थी कि जो मेरे जो सीनियर थे जो जा रहे थे सीबीटी ब्रांच के थे और उनकी पोर्शे के अंदर इंटर्नशिप लगी थी। okay. तो उन्होंने एक जगह ऐड डाला कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मिले या फिर ना मिले। मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं, मैंने उनको कहा कि मैं चाह रहा हूँ ये लेना। तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया कि बिल्कुल सही टाइम पे बोल दिया, मैं लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ, मैं ऑफिशियल सबलेट दे रहा हूँ 6 मंथ्स के लिए। okay. तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया कि एक स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट हॉस्टल की वेटिंग लिस्ट में है बट मैं इसको अपना डोम देना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि क्या ये आपको स्टूडेंट डोम देना चाहते हैं, क्या आप वही हैं? मैंने कहा यस, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट डोम, मैं अकोमोडेशन ढूंढ रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा और बोला कि 835 यूरोज हमें सेंड कर दीजिए, इसमें 2 मंथ्स का रेंट था और 300 यूरोज डिपॉजिट था। ओके, तो उसके चक्कर में मुझे स्टूडेंट डॉम मिल गया जो कि
एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है क्योंकि बहुत पैसे बचते हैं okay. क्योंकि जो प्राइवेट अपार्टमेंट होते हैं वो इससे 150 टू 200 यूरोस महंगे पड़ते हैं. कितना यूरो पे कर रहे हो? 255 यूरोस पर मंथ okay. जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इंटरनेट, रेडियो टैक्स, सब कुछ. ओके okay. अब अच्छी बात पता क्या है, आपका आपको डोम मिल गया, आपका एड्रेस है, अब जाके आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट खुलवा पाए. नहीं, बैंक अकाउंट या रजिस्ट्रेशन, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन फटाफट हो जाएगा. सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट बैंक अकाउंट के अंदर खास बात ये है जो मुझे एक्सपेक्ट्रियो के अंदर मिली है, जो बाकी दो के अंदर नहीं थी, कि आपको वो ऑलरेडी बैंक अकाउंट खोल के दे देंगे, आपको बैंक अकाउंट बना देंगे, आपको सिर्फ उन्हें सिटी रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो ऑनलाइन सबमिट करानी है. विद इन ए वीक आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठे रहना है. आपने जैसे ही सिटी रजिस्ट्रेशन की स्लिप उनको दी, आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा, आपका आईबीएन नंबर एंड ऑल सब कुछ आपको मिल जाएगा. शिवम, दिक्कत ये होती है कि मान लो आपके पास एड्रेस नहीं है, आपके पास एकोमोडेशन नहीं है, तो आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, और सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप बैंक अकाउंट भी नहीं खुला सकते, तो आप पैसा स्टूडेंट के प्रिविलेज नहीं ले सकते, आपका जो पैसा ब्लॉक अमाउंट मतलब वो आप एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं. तो उसके लिए अकोमोडेशन बहुत जरूरी, और विद सिटी रजिस्ट्रेशन वाली अकोमोडेशन लेना, विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन वालों के अंदर मत फंसना, क्योंकि मैंने बहुत एड्स देखे, मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ बहुत ऐड आते हैं कि 5 महीना रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ, बट वहाँ नीचे लिखा होता है विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन. तो ये अकोमोडेशन के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में बनाएंगे, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ कि अकोमोडेशन कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ इंडिया में रहते हुए कैसे अकोमोडेशन हम अलॉट करवा सकते हैं, वो सारी चीजें. तो मेरे ख्याल से ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है शिवम के एक्सपीरियंस से, है ना. तो इस इंटरव्यू को हमें लगता है यहीं पे एंड करते हुए मैं शिवम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आने वाली जर्नी के लिए, आने वाले एक्साइटमेंट्स के लिए. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच टू स्पेयर टाइम. ऑल द बेस्ट फॉर जर्मनी. ओके सो मच.